देखिए ये उनकी अमर्यादित भाषा है और मुझे लगता है कि इतने अनुभवी और इतने सीनियर, इतने बुजुर्ग हमारे जो नेता हैं, उनको बहुत सोच समझकर अपने बयान देने चाहिए, बहुत सोच समझकर किसी के बारे में भी बात करनी चाहिए। और अब जबकि चुनाव हो चुके हैं और हार जीत का फैसला हो चुका है, तो मुझे लगता है कि उनको जो मतदाता ने अपनी बुद्धि से, विवेक से जो काम किया है, जो मतदान किया है, उसका सम्मान करना चाहिए। आपने अशोक तंवर को बड़े लंबे बड़े मार्जिन से हराया। अशोक तंवर कल ऐलान कर चुके हैं कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, साथ ही उनका कि जो उनके प्रत्याशी लोकसभा चुनाव लड़े थे वो सभी विधानसभा चुनाव न लड़े। क्या देखिए, ये उनका अपना पर्सनल पार्टी का मैटर है कि वो कौन सा चुनाव लड़ना चाहते हैं, कौन सा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। और क्योंकि उन्होंने तो कहा था कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और नतीजा आप लोगों के सामने है, तो वो क्या लड़ना चाहते हैं, क्या नहीं लड़ना चाहते हैं, हम डटकर उनका हर फील्ड में, हर जगह पर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, क्या वजह क्या है उसके पीछे? देखिए वो वजह मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, उनका माइंड मैं कैसे पढ़ सकती हूँ कि वो क्या सोच के ये कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।